नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल को लेकर के। किसी भी व्यक्ति या जातक को केतु की महादशा चल रही हो और उसमें अंतर मंगल का हो तो ये अवधि 4 महीने और 27 दिन की होती है। और कुंडली में यदि मंगल उच्च राशिगत हैं, अपनी राशि में हैं या मित्र ग्रहों की राशि में हैं, शुभ ग्रहों के साथ में युति बन रही है या फिर शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हों, यानी कुल मिलाकर अगर मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और यही स्थिति अगर कुंडली में केतु की भी है, यानी केतु भी उच्च राशिगत अथवा मित्र ग्रहों की राशि में संचरण कर रहे हों या स्वराशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टिगत हों या शुभ ग्रहों से युति बना रहे हों यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, तो केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर जातक में उत्साह और उसके पराक्रम में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि मंगल पराक्रमी ग्रह है और केतु में भी कमोबेश मंगल के गुणों की प्रधानता रहती है, इसलिए शुभ और बलवान मंगल की अंतर्दशा में जातक के मन में उत्साह अत्यधिक बढ़ जाएगा। जातक साहसिक और पराक्रम वाले कामों में विशेष रुचि लेने लगेगा और उसमें सफल होकर मान सम्मान को प्राप्त करेगा। यदि जातक सैन्य कर्मचारी है तो उसे पदोन्नति, सेवा पदक, पुरस्कार और धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में अगर दोनों ही ग्रह शुभता लिए हुए हों तो जातक अत्यंत पराक्रमी, साहसी, बलवान और अनेक प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और उस कामों की वजह से उसे समाज में, देश में मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि केतु अशुभ प्रभाव ग्रहों से युक्त है, यानी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में, पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशिगत है, और अगर यही स्थिति कुंडली में मंगल की भी है, यानी मंगल भी नीच राशिगत हैं, शत्रुओं की राशि में संचरण कर रहे हों, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर 4 महीने 27 दिन की अवधि में जातक इतना अत्यधिक हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, उसका स्वभाव इतना उग्र हो जाता है कि वो अपने आप पर से नियंत्रण खो बैठता है और जातक की जो प्रवृत्ति है वो इतनी उग्र हिंसक हो जाती है कि वो क्रोध में हत्या तक कर सकता है। फलस्वरूप उसे कारावास में दंड अथवा मृत्युदंड तक भोगना पड़ता है। जितने भी कारावास में जिन भी जातकों को मृत्युदंड मिला है उन्हें मंगल की अंतर्दशा केतु में आने पर ही मिला है, यानी केतु की महादशा चल रही हो उसमें मंगल की अंतर्दशा आई होगी, और अगर मंगल और केतु राशि में नीच राशिगत रहे होंगे और पाप ग्रहों से प्रभाव में रहे होंगे तो निश्चित रूप से जातक के हिंसक कामों की वजह से अगर उसे जेल हुई होगी और अगर उसे मृत्युदंड मिला होगा तो निश्चित रूप से मृत्युदंड का जो फलीभूत है वो इसी अंतर्दशा में होगा। केतु की महादशा आने पर मंगल की अंतर्दशा आने पर जातक अनियंत्रित खाने की वजह से, जातक के खाने की जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, जातक ज़्यादा खाने लग जाता है और अनियंत्रित खाने की वजह से वो बीमार हो जाता है। जातक में रक्त विकार, रक्तचाप, फोड़ा फुंसी, खाज खुजली, उदर व्याधि से पीड़ित रहने लगता है। अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों और पुरखों से उसका कलह और विवाद होने लगता है। इस अंतर्दशा में जातक के भाई बंधुओं का नाश हो जाता है। जातक को सर्प, चोर और अग्नि से भय बना रहेगा और अनेक प्रकार के उसे कष्ट भोगने होंगे अपने शत्रुओं से, शत्रुओं की वजह से उसे, अपने दुश्मनों की वजह से उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल कथन को लेकर के। अगर केतु और मंगल की स्थिति शुभता लिए हुए है तो निश्चित रूप से जातक को अनेक प्रकार के सुख फलों की भी प्राप्ति होती है और अशुभ मंगल और केतु की स्थिति में जातक को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है जिसमें जेल जाने तक और मृत्युदंड तक की स्थितियां भी फलीभूत हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल को लेकर। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।